हेलो ग्लैम लेडीज़, वेलकम टू योर ओन चैनल ग्लैम लेडीज़। होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का वीडियो है एंगेजमेंट मेकअप को लेकर। तो देखते हैं इसे कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या एंगेजमेंट मेकअप के बेसिक स्टेप्स होते हैं, सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्किन को क्लीन करना होता है, अच्छे से एक बेसिक मसाज दे लो। उसके बाद जल्दी से टैप टैप फिंगर पॉइंट्स की हेल्प से यहाँ पर प्राइमर लगा लो, और प्राइमर लगा के ना 10 मिनट के लिए फेस को छोड़ दो। उसके बाद ये सब सामान है, क्रायलॉन की किट है जो बेस लगेगा, बहुत सारे आई शेडोज़ हैं डिफरेंट। अब स्टार्ट करते हैं बेस बनाना। यहाँ पे बेस लगा लीजिए आईज़ पर सबसे पहले। हुडेड आईज़ हैं तो थोड़ा कम लगाइए, हुडेड आईज़ नहीं है तो बेस थोड़ा अच्छे से ज़्यादा लगाइए, ताकि ये आपके डार्क सर्कल्स को, ऊपर जो आईज़ डार्क हो रही होती हैं, काली होती हैं, उन सबको कवर कर लें। सो जस्ट अच्छे से ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड कर लें। हमेशा एंगेजमेंट मेकअप में हम डू नॉट स्टार्ट विद द मेकअप एवरी टाइम। पहले एक अच्छी सी क्रीम मसाज देना ज़रूरी है, जैसे आपने देखा, ताकि स्किन में जितना भी डर्ट हो वो निकल जाए, अच्छे से नरिशमेंट मिले, ड्राई स्किन ना हो, पैची मेकअप ना हो। तो जब भी आप कोई मेकअप करते हैं, एक बार उस पर 2 मिनट की क्रीम मसाज देकर उसको वाइप ऑफ करके फिर प्राइमर लगाएं, तो क्या होता है, पैची मेकअप के चांसेस कम होते हैं। अब ये ब्लेंडर से अच्छे से अपने डार्क सर्कल्स को छुपा लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए बेस, ताकि आपके डार्क सर्कल्स, ऊपर से ब्लैकनेस, ये सब हाइड हो जाए और जो आई शेडो है उसका बेस अच्छा बन जाए। जस्ट कवर विद अनदर बेस कलर स्किन टोन की हेल्प से मिक्स करते हुए, ब्लेंडर की हेल्प से मिक्स कर दो। बस ये आपका बेस रेडी हो गया। आंखों के कोनों को बिल्कुल मत भूलो, अच्छे से आंखों के कोनों में भी मर्ज कर दो। देन स्किन की बारी, स्किन पे अच्छे से ये बेस लगा लो। अपनी स्किन टोन के हिसाब से बेस लगाना होता है, ये नहीं होता कि आप गोरे हैं तब भी सेम बेस लगेगा, काले हैं, व्हाइटिश हैं, मतलब डार्क कलर टोन है, कैसे भी हैं तो आप सेम बेस लगा लो, ऐसा नहीं है। हर स्किन टोन के हिसाब से अलग बेस होता है। अगर आपको जानना है कौन सा बेस कौन से स्किन टोन के लिए होता है, सो आप कमेंट बॉक्स पे हमें कमेंट कर सकते हैं, वी विल गेट बैक टू यू, और ईमेल भी कर सकते हैं ईमेल आईडी पर। ठीक है, अब ये बेस अच्छे से लगा लिया, इस बेस को अच्छे से स्किन में ब्लेंड होने दो। नेक को कभी मत भूलो, चाहे वो नेक मेकअप में हो, फेशियल में हो, किसी भी हो, अपने नेक को साथ में कवर करा करो। ये क्रायलॉन की किट है जो यूज़ करते हैं मेकअप के लिए हम लोग। अच्छे से इसे ब्लेंड कर लो। अब आपको क्या करना है, अपनी आईब्रोज़ को फिल करना है। जिनकी आईब्रोज़ पतली होती है ना, बहुत पतली होती है, बिल्कुल बीच में बाल नहीं होते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेकअप में जब भी मेकअप करें ना, अपनी आईब्रोज़ को फिल करें, अच्छे से शेप बनाएं, आपका मेकअप और फेस ना बिल्कुल अलग ही दिखेगा। अगर आप सोचेंगे नहीं मैंने तो अभी आईब्रोज़ करवाई हैं बहुत अच्छी शेप में, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल करें। आईब्रो पेंसिल की हेल्प से नहीं है तो आप इस ब्रश पर काजल लगा कर भी फिल कर सकते हैं, हमने दोनों स्टेप्स यहाँ पर आपको दिखाए। अब उसके बाद क्या होना है, आपने जो आपका आईब्रोज के नीचे का माउंटेन होता है ना, जो पीक होता है, मतलब जो है, वहां पर एक हाइलाइटर का ब्रश अच्छे से लगा दें। दिस विल एनहांस योर आई शेडो, तो अच्छे से आई शेडो आपके एनहांस होकर आएगी, यहाँ पर लगा लें। उसके बाद एक बेसिक जो बेस कलर होता है आई शेडो का, वो बेस कलर लगा लें, उसको कवर कर लें अच्छे से, नॉर्मल बेस कलर। अभी इसके ऊपर मेकअप होगा, लेकिन पहले एक बेस कलर ज़रूरी है। उसके बाद अपनी ड्रेस की मैचिंग का कलर, ड्रेस की मैचिंग का कलर लगा ले। जैसे आपको साड़ी पहननी है तो आप साड़ी के मैचिंग का कलर लगा ले, जिस कलर का भी लहंगा है उस कलर के लहंगे का कलर से आई शेडो आप लगा लें। यहाँ पे इस एंगेजमेंट गर्ल की ग्रीन कलर का लहंगा है, सो ग्रीन टोन यूज़ करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। पहले साइड्स पर लगा लें, कॉर्नर्स पे, जो कॉर्नर होता है ना आँख का, उससे अच्छे से फिल कर लें। सो इट डिपेंड्स ऑन कि कौन सा कलर है आपकी ड्रेस का और आप किस तरह का मेकअप कराना चाहते हैं।
देन एक क्रीस विद द डिफरेंट कलर, आप उसको एक क्रीस अच्छे से दे दे विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रश. अगर आप खुद से मेकअप कर सकते हैं, एंगेजमेंट मेकअप आप खुद से भी कर सकते हैं विद दीज स्टेप्स, आपके पास कोई ब्रशेस नहीं है, अगर आप ईयरबड की हेल्प ले लीजिए, आप अपनी फिंगर टिप्स की हेल्प ले लीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं. आप देखेंगे कि आईज के कोने से लेके ऊपर तक कवर करते हुए क्रीज बनानी है. ये ब्रश की किट्स जो होती है ना, आपको ईजिली कहीं पे भी मिल जाएंगी, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पर, कहीं से भी आप पूरा ब्रश किट, मेकअप ब्रश किट ऑर्डर कर सकते हो. सो आई मेकअप आप देख रहे हैं, ब्रश की हेल्प से क्रीसेस बनाइए, डिफरेंट बेस कलर अलग, देखो आपको प्रॉपर पता चल रहा है, दिख भी नहीं रहा होगा. जहाँ पे लग रहा है अभी आईब्रोज अच्छे से फिल नहीं है, दोबारा भी फिल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो आईब्रोज की शेप को. नीचे बेस लगाया है दोबारा, क्योंकि डार्क सर्कल्स इनके थोड़े ज़्यादा थे, तो दोबारा से बेस लगाया है ताकि डार्क सर्कल कवर हो जाए, ये फाइन लाइंस कवर हो जाए, अगर हल्के फुल्के रिंकल्स भी हैं तो वो भी कवर हो जाए. सो दो तीन बेस की कोटिंग दीजिए ताकि आपके फेस और स्किन बिल्कुल अच्छे से चमकती दिमकती दिखे स्पेशल ओकेजन के लिए. अब फिंगर्स की हेल्प से दोबारा एक बेस की लेयर लगेगी, जस्ट डैब 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 करते जाओ, अच्छे से ये लगा लो. नेक कभी मत भूलना, और नेक प्रॉपर मैचिंग, जैसे भी फेस पे जो भी बेस लगा रहा है सेम कलर का नेक पे लगेगा. सो दोबारा से लेयर कर लीजिए. अगर उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अभी भी प्रॉपर बेस टोन नहीं है, तो दोबारा से अपने बेस को एक बार फिर से अंडर आई लगा लीजिए, डार्क सर्कल्स को कवर करने के लिए. फाइन लाइन्स भी हाइड हो जाती है, फेस बिल्कुल नॉर्मल स्मूथ दिखता है. सो एक दो बार लगा के छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि हमने लगा दिया. आपको जितनी बार चाहे, आप अपने क्लाइंट पे कर रहे हैं तो आपको लगे अगर नहीं उनका अभी भी लाइंस क्लियर दिख रही हैं या कुछ दिख रहा है, आप दोबारा लगाइए, डोंट वरी अबाउट इट. आप दो तीन बार अच्छे से लेयरिंग करिए उसकी, ताकि जो पैची आईज है या कुछ इस तरह का लग रहा है वो सब कवर हो जाए. नाउ टर्न ऑफ आई लाइनर. ये मेबलिन का कॉलोसल आई लाइनर है. ब्रश इसका बहुत अच्छा है, बहुत स्मूथ ब्रश चलता है इसका. सो अच्छे से आईलाइनर लगा लीजिए. आई मेकअप प्लेज़ अ वेरी मेजर रोल. आपकी आंखें बोलती हैं, अगर आपका मेकअप में आपकी आंखें ही नहीं बोली तो क्या फ़ायदा. तो अपनी आंखों को हमेशा स्पेशल अट्रैक्शन होता है. सो जब भी खुद से मेकअप करें, बेसिक मेकअप भी करें, सो आई मेकअप शुड बी बेस्ट. नाउ टर्न टू मस्कारा. मस्कारा जब भी लगाते हैं, पहले सबसे पहले नीचे की ओर ब्रशिंग करते हैं. एक इस तरह का कार्डबोर्ड ले लीजिए या कुछ भी ले लीजिए, ताकि आपकी स्किन के ऊपर ना लगे इसका कलर. नीचे की ओर ब्रश करिए, उसके बाद जब आपकी ये आईलैशेस नीचे हो जाएंगे, देन ऊपर की ओर ब्रश करिए. दिस इज़ द ट्रिक टू अप्लाई मस्कारा. वीडियोस देके सीधा ऊपर 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 ब्रश मत करना, लग जाया करिए. पहले सबसे पहले जैसे हम अपने बाल बनाते हैं, अपने नीचे की ओर कॉपी करते हैं, देन कोई सेटिंग करते हैं ना, सेम इज़ विद द मस्कारा. उसके बाद नीचे आईज में काजल लगा लीजिए अच्छे से, डार्क सा. नाउ द फाइनल बेस टच. उसके बाद ये लूज़ पाउडर या कॉम्पैक्ट है आपके पास, आप कॉम्पैक्ट लगा सकते हैं. ये लूज़ पाउडर की कोटिंग ये आपके मेकअप को पूरा अच्छे से एब्जॉर्ब होने देता है स्किन पे. देन डू दिस बेसिक कंटोरिंग, कंट्यूरिंग, सॉरी नॉट कंटोरिंग, इट्स कंट्यूरिंग. जस्ट मर्ज इट, ब्लेंड इट इन द स्किन. ये इस तरह का ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं. ब्रश किट्स मिलती हैं, अच्छे ब्रशेस भी मिलते हैं, और ब्रश प्लेज़ अ गुड रोल. जब आपने अच्छे से ब्लशर लगा लिया, देन एक हाइलाइटर का कोट देते हुए उसको स्किन में ब्लेंड कर लो. आपका ब्लश हाईलाइट होता है तो आपका फेस हाईलाइट होता है. देन ये जो कंट्यूरिंग करिए उसको अच्छे से स्किन में ब्लेंड कर लो. देन अगेन हाईलाइटर इन योर आईज, हाईलाइट योर आईज.
एंड मेक अ क्रीज विद दिस ब्रश. ये जो अपर आई लिट पर क्रीज बनती है ना, वो इसी ब्रश से बनती है. अब लिपस्टिक की बारी है. आप चाहे तो लिप लाइनर से भी लिप लाइनर बना सकते हैं, बट आई सजेस्ट ये जो ब्रशेज होते हैं ये ज़्यादा अच्छी लिप लाइनिंग करते हैं. तो लिप लाइनर की जगह इस तरह के ब्रशेज से लिप लाइनिंग करें, क्योंकि लिप लाइनर्स जो होते हैं ना वो बहुत ड्राई ड्राई से होते हैं, और जिनके होंठ बहुत ड्राई होते हैं उस पर अच्छे से रन नहीं करते हैं, वो टूट जाते हैं या बिल्कुल हल्का सा देते हैं. सो जस्ट डू इट विथ लिप लाइनर. उसके बाद एक अच्छी सी ऊपर हाईलाइट दे दीजिए दैट कम्स टू योर हेयर्स. यहाँ पे इनको लूज़ हेयर्स छोड़ने थे, बट इनके अच्छे से हेयर्स की प्रेसिंग करके हेयर स्टाइल बनाया है. लूज़ हेयर्स है, नॉर्मल ब्रीडिंग करिए. देन टक द दुपट्टा प्रॉपरली, ठीक है, अच्छे से दुपट्टा टक कर लीजिए. दैट्स इट, दिस इज़ द फाइनल लुक. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है ग्लैम लेडीज़ को. अगर कोई भी क्वेरी है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं. स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब.